धनु राशि, शनि देव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में विद्यमान रहेंगे और तीसरे भाव में शनि देव का विद्यमान होना एक बहुत अच्छी बात है। तो शनि की विशेष कृपा धनु राशि वालों पर इस साल बनी रहेगी। शनि की कृपा से जीवन में इस वर्ष आपको बड़ी सफलताएं मिलेंगी। शनि की मुश्किल की वजह से पिछले साल तक मुश्किलें भी बहुत थीं। अब शनि की कृपा मिलेगी और जीवन में बड़ी सफलताएं मिलेंगी। करियर में आपको इस साल बड़ी सफलता मिलेगी, प्रमोशन होगा, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा, ये संभावना धनु वालों के लिए शनि दिखा रहे हैं। स्थान परिवर्तन भी होगा आपका, हो सकता है पुराना मकान बेच करके नया मकान खरीदें या कहीं पर नया मकान या फ्लैट खरीद कर वहां शिफ्ट हो जाएं। इस तरह का स्थान परिवर्तन हो सकता है या हो सकता है कि नौकरी में आप दिल्ली में नौकरी कर रहे हो, आपका ट्रांसफर मुंबई हो जाए, तो इस तरह का कोई बड़ा स्थान परिवर्तन दिख रहा है। और इस साल आप विदेश जरूर जाएंगे, चाहे करियर के मामले में विदेश जाएं, चाहे आप एम्यूजमेंट के लिए, आनंद के लिए विदेश जाएं, लेकिन इस साल विदेश यात्रा की संभावना अवश्य है। देखिए, बड़ी मुश्किलों के बाद आपका समय शनि की कृपा से बेहतर हुआ है, इसलिए जीवन में जो भी चुनौतियां हैं, जो भी बाधाएं हैं, उनको समाप्त करके आगे बढ़ते जाइए, रुकिए कहीं नहीं। कहीं भी लग रहा है दिक्कत है, सामने खड़े हो जाइए, दिक्कत दूर हो जाएगी। और करियर में रिस्क लेना है, नौकरी बदलनी है, बिल्कुल रिस्क लीजिए, इस समय बिल्कुल सही बैठेंगे आपके बाद। तो देखिए, धनु वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, खासतौर से शनि देव की वजह से, और शनि की विशिष्ट कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, उसका लाभ उठाइए। क्या करेंगे शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए? पूरे साल भर शनिवार को अन्न का और वस्त्र का दान करेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर पूरे साल अन्न और वस्त्र का दान करेंगे तो शनि की विशिष्ट कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी।